चैनल ना सब्सक्राइब कर दियो और घंटों दबा दियो सारों लेटेस्ट वीडियो सारों पहले देखन खातर थाने सारा ने कहा जल की कसम। जो दीवाना अपने माता पिता के नाम का नहीं वो बंदा धरती पे किसी काम का नहीं। एक माँ अपनी औलाद ने 9 महीने तक पेट में रखा है और एक आस कर उसने कि जब मेरी आंखें तक दिखने तक कमजोर हो जाऊंगी, जब इन पाया में दम नहीं रहेगा तो यह औलाद मेरा सारा बनेगी। लेकिन यह गंदी औलाद करे के उस माँ बाप गलत सुनियो। ओए बरया तेरे ना टोटा ए तू से रबर का मोटा रात में तो ए तू से रबर का मोटा ओए बरया तेरे ना टोटा ए तू से रबर का मोटा ओए बरया तेरे ना टोटा रही बस से रबर का मोटा। सुभाष भाई 100 रुपए से मान सम्मान करते भाई, सच बताऊं सही में असली कमाई या लागे अगर मैं ढूंगे मार के 1000 रुपये बदले कर लूं तो मेरी छाती खुली कोने हुए। लेकिन अच्छी बात का कि अगर 5 रुपये भी मैंने कोई इनाम में दे दिया तो नु खुश वहां के भाई हाँ सच में कमाई आई है ना तो बहुत कमावा। और एक एक लाइन उस्ताद जी आप बचा रही तो मैं समझ करता, लेकिन मेरी बात इनका पल्ला पड़ जानी चाहिए। अगर मेरी बात सुन के एक औलाद ठीक हो जा तो अपना जागरण सफल मानूंगा मैं। कोई बरया तेरे ना छोटा तू से ठरपण क्या मोटा रही बरया तेरे ना छोटा हिम से ठरपण क्या मोटा इब वाहे बोझ तन लागे 9 महीने जिसने ओटा रे इब वाहे बोझ तन लागे 9 महीने जिसने ओटा तेरे कौन सी छोटी कमी तेरे तू मने बताइए रे तेरे कौन सी छोटी कमी तेरे तू मने लिख दिया के भूलना तो चावे से पर भूलन की कोई वजह नहीं, के भूलना तो चावे से पर भूलन की कोई वजह नहीं। बेटे ने गाड़ ली कोठी पर माँ की घाट ने जगह नहीं। आज की औलाद है और तेरे कमी रही ना धन की तू भूलिया बात बचपन की तेरे कमी रही ना धन की बचपन की तेरे कमी रही ना धन की तू भूलिया बात बचपन की तेरे कमी रही ना धन की तू भूलिया बात बचपन की बिन बोले समझा करती सब कटती तेरे मन की रे बिन बोले समझा करती छाती नहीं कर सकता लानत है उस औलाद पे। ये औलाद या नहीं जानती एक माँ बाप अपने बेटे खातर कितने दुख भरे है किस डाल तक पाड़े है और के आस लगावे। तीसरी बात में के कह दिया भगतो सारी भक्ति अड़ा के खत्म होगी, कितने पूजा पाठ धोने कितने बड़े बड़े टिक्के लाला के बैठ जियो, लेकिन जब तक घर वाले भगवान खुश नहीं इस भक्ति का कोई फायदा नहीं। उस्ताद जी बस मैं फारिग करना चाहूंगा क्योंकि बहुत कम लोग सुनना चाहो मैंने। तीसरी बात में क्या कह दिया मत दिल रे इनका दुखाइए तेरी खातिर दुख जाने बोते मत दिल रे इनका दुखाइए तेरे खातिर मत दिल रे इनका दुखाइए तेरी खातिर दुख जाने बोते मत दिल रे इनका दुखाइए तेरे खातिर यो आपे खुश हो जाना जय मात पिता खुश हो गए आपे खुश हो जाता जय मात पिता खुश हो गए। संसार में कोई कैसा आदमी मिल जा जिसने अपने माँ बाप के साथ धोखा करके और किसी बड़े मुकाम पर पहुंच गया ऐसा हो नहीं सकता भक्तों, क्योंकि जब तक आशीर्वाद मात पिता का नहीं होता इंसान तरक्की नहीं कर सकता। माँ बाप से धोखा करके फिर क्या मन उसका मिला ये रे में काट के बात पिता की सेवा में लाइए पद्रत है। आज भी
सारी मोहब्बत। रे योगी मर जाना चावे एक आस पुगा दे मेरी, रे योगी मर जाना चावे एक आस पुगा दे मेरी। मेरी माँ के गोड्या में सिर हो चाहे जान काट ले मेरी रे, मेरी माँ के गोड्या में सिर हो चाहे जान काट ले मेरी। ऐसे मात पिता भगवान मने हर बार चाहिए से, इसे मात पिता भगवान मने हर बार चाहिए से। वो थोड़ा टेम काट के मात पिता की सेवा में लाइए रे। अगर सही में दम लगे हो बात में तो ताड़ी बजा दो ना तो चप्पल खड़ी बने हड़ा, उसका सहयो खेल निराला। तेरे सपने देवे देवने हड़ा, उसका सहयो खेल निराला। वो कुछ ना लेकर जाना तन कुछ ना लेकर जाना, रोला तो रोला तो रोला सह क्या काटने, कुछ ना लेकर जाना रोला सह क्या काटने, कुछ ना लेकर जाना। तेरे सपने देवे देवने हड़ा, देवने खेल निराला, इसका सहयो खेल निराला। कुछ ना लेकर जाना रोला 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 सह क्या काटा, कुछ ना लेकर जाना रोला सह क्या काटा, कुछ ना लेकर जाना रोला सह क्या निकल लिया प्रोग्राम में जान खातर। और जब मैं लोहारू क्रॉस करे पीड़ोद गांव आवे है, उस पीड़ोद में पांच छह जनान मेरी गाड़ी का आगे खड़े हो गए, हर एक बंदूक काट के जमा। सच्ची घटना वक्त झूठ नहीं बोलता बाबा, झूठ ना बोला दरबार में। पांच छह बंदे पिस्तौल काट के खड़े होकर मेरी कनपट्टी पर लगा ली कि जितना मार दे रहा सारा काट दे मेरी टूटी सी गाड़ी, और मेरा दरबार 1300 रुपये पड़े होंगे। मैंने हाथ काट के मैं कहा भाई साहब ये पीछे है मेरे दौड़ को। दूसरा जना बोले रे इसने मार दो कदे कितने जाके बता दे। मैं कह रहा भाई मारो भी क्यों रे, मेरी माँ घर बाट देखे मेरी यार, मेरी बहू भी है रे, ये तो थोड़ी छोटी है सब उम्र में भी घड़ी कोनी, और मेरे भतीजे रे, मेरा पूरा परिवार, मेरी पांच पांच भाड़ रहे, मेरी बाट देखेंगे, मारो क्यों रे भाई, मेरी गाड़ी ले जाओ, हड़ताली ले लो, तुम सबकी मिले जो कुछ कोनी चाहिए। उनने मेरे बताया आगे उन्हें मैं छोड़ दिया, और इतनी दूर जाए पाछा मन में भाई बात सुनिए रही, ये 1200 रुपये स्टेज के ऊपर पसीना काट के कमाए उड़े भाई, तुम एक मिनट में लेकर ताकि बिगड़ा। तब एक बात लिखी मैंने उसके अंदर, हेर बांध्या भरोटा धन का लोगो मार के चाकू छुरी रे, बांध्या भरोटा धन का लोगो मार के चाकू छुरी रे, हेर बांध्या भरोटा धन का लोगो मार के चाकू छुरी रे, बांध्या भरोटा धन का लोगो मार के चाकू छुरी रे। हेरा उस मालिक का आवे बुलावा जाना पड़े जरूरी रे, उस मालिक का आवे बुलावा जाना पड़े जरूरी रे, ना परमानेंट ठिकाना ना परमानेंट ठिकाना, रोला 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 सहता खाना, परमानेंट ठिकाना रोला सहता खाना, कुछ ना लेके जाना रोला, कुछ ना लेके जाना। एक जमाना हुआ करता था भगतो कि होली तो पहला एक एक महीने सामने के गीत गाया करती माता बहन, और मेरी 17 साल की बेबे रात ना 10 बजे घर तो बाहर घूमने जावा तो कोई डर नहीं था, लेकिन आज के जमाने में 1-7 साल की गुड़िया अगर शाम में 7 बजे घर तो बाहर चली जा तो माँ बाप ने चिंता हो जाए कि बिना ना मेरी छोरी ठीक ठाक घर आओगी कि नहीं। क्यों? क्योंकि इस बेदर्द जमाने की नजर इतनी खतरनाक हो गई है, घर अपनी भाण न देखे तो ठंडी नजर रखेंगे, लेकिन वारणा मत बाहर जाते सारिया भूख नजर आने लग जाए। ऐसा क्यों भगतो? अवश्य पुजारी, उन अवश्य पुजारियों खातर एक बात लिखी, गौर फरमाइए।
नौजवान साथियों, तेरा एक दिन ठंडा पड़ जागा जो चढ़ रहा जोर जवानी का, एक दिन ठंडा पड़ जागा जो चढ़ रहा जोर जवानी का, तेरा एक दिन ठंडा पड़ जागा जो चढ़ रहा जोर जवानी का, एक दिन ठंडा पड़ जो चढ़ रहा जोर जवानी का, एक दिन ठंडा पड़ जागा जो चढ़ रहा जोर जवानी का, यार संसार में बने ठिकाना न बचना और निशानी का, संसार जितना खजाना जितना दुनिया पर धन था सारा छीन के राजा सिकंदर के खजाने में जमा कर दिया। अब राजा सिकंदर ने ऐलान कर दिया कि मैंने को एक सोने के सर्पी ला के दे, अपना आधा राजपाट मैं उसके नाम कर दूंगा। एक 10 साल का छोरा अपनी माँ के साथ जिद कर बैठा कि माँ मैंने एक सोने के सर पी दे। उसकी माँ बोली, रे बेटा मैंने तो छोड़ धरती पर किसी का दौरा धन को नहीं दे दू कर दे। छोरा ने बोला, कह तो माँ मैंने एक सोने के सर पी दे दे, ना तो तेरा घर छोड़ दूंगा और ना कि जाके मर जाऊंगा। उसकी माँ ने कहा कि बेटा मेरा दौरा को नहीं एक रास्ता बता दूंगी। वो छोरा पूछा लगा कि माँ रास्ता बता। उसकी मम्मी ने कहा कि जा बेटा अपने बाप की कबर खोद ले, उस कबर में एक तरह सोने की असरती मिलेगी। ऐसा बताते सजनों मुसलमान को दफनाते हैं उसमें एक सोने की असरती रखी जाया करती। आज महंगाई का जमाना, रुपया 2 रुपया रख दे। छोरा ने ठाके कसे अपने बाप की कबर खोद ली और निकाल के सोने की असरती राजा सिकंदर के दरबार में पहुंच गया। और जाके राजा ने बोला कि राजा तेरी शर्त के मुताबिक यह सोने की असरती अपना आधा राजपाट मेरे नाम कर दे। राजा ने कहा, क्या था राजपाट तेरे नाम कर दूंगा, पर तू ये बताया सोने के सर्फी लाया कितने। छोरा बता दिया कि मैंने मेरे बाप की कब्र खोदी, उसमें सोने के सर्फी है। मंत्री ने बताया कि राजा हर मुसलमान की कब्र में एक सोने के सर्फी मिलेगी। बताते सजनों, राजा सिकंदर ने पूरी पृथ्वी की कब्र खुदवा दी थी कि जितनी भी कब्रों में सोने के सर्फी पावे ठाके मेरे खजाने में जमा कर दो। अब राजा सिकंदर का अंतिम समय आ गया, मरने की कबार कब आ गया। सारी फिल्म आकर चल गई कि इतनी धन दौलत इतना राजपाट है, लेकिन इतना मरना तो पड़ेगा। अब रोक है कौन। जब जमा लास्ट समय पर आ गया, अपना परिवार बुला लिया, मंत्रीगण बुला लिया कि मंत्रियों मेरी 3 ख्वाहिश है, मेरी 3 आस है कि 3 आस मेरी पूरी कर दियो, मैंने धरता कुछ नहीं चाहिए। पहली कि जहां से मेरा जनाजा निकालो उस रास्ता पर हीरे जवाहरात तो सोने बिखेर देना ताकि दुनिया ना बेरा लाग जा, मेरे द्वारा इतना धन है लेकिन फिर भी मैं मर गया। दूसरी के जो मेरे कांधी इलाका जो मेरे जनाजे ने कांधा दे में इस पृथ्वी के सबसे बड़े वैद होने चाहिए ताकि पता लगे इतने अच्छे वैद होते भी मैंने नहीं बचाए पाए, मैं मर गया। और तीसरी कि मेरे हाथ मेरे जनाजे तो बाहर निकाल दियो ताकि बेरा लगे कि मैं खाली हाथ आता, मैं खाली हाथ जान लाग रहा हूं। राजा सिकंदर मर गया, कब्र में दफना दिया। उसकी मां रोने लगी, रे बेटा तेरे जीते जी भी कदे सुख नहीं दिया। और आज मरते मरते भी इस मां ने रोया। वो मां कहने लगी, इसके लिए मेरा सो गया पुत्र सिकंदर, सिकंदर क्या। उसकी मां कहने लगी कि मेरा सो गया पुत्र सिकंदर, जेड़ा जग ते राज चला गया सी, के मेरा सो गया पुत्र सिकंदर, जेड़ा जग ते राज चला गया सी, जोंदे जी भी रवा गया ते मरदे भी रवा गया सी, के कब्रां विचों आवाज आई, कब्रां विचों आवाज आई, मां छड़ दे इस बखेड़े नू, इते कई सिकंदर आगे नी तू रोएगी केड़े केड़े नू, के मां छोड़ इन बातों ने, बराना कितने एक सिकंदर आके जा लिए, तू मने क्यों रोए। और तब लिख दी, हेर कई सिकंदर मर गए लो तो कई मरण ने प्यार खड़े, कई सिकंदर मर गए लो तो कई सिकंदर मर के रलो तो कई मरण ने त्यार खड़े, कई सिकंदर मर के रलो तो कई मरण ने त्यार खड़े। तेरा असली मरज का वैद मिले ना, असली मरज का वैद मिले ना, हाथ जोड़ के बड़े बड़े असली मरज का वैद मिले ना, हाथ जोड़ के बड़े बड़े फिर योगी भी मर जाना,